नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरकाबाद से। शराब के नशे में जाति सूचक गाली देने पर वृद्ध की हुई थी हत्या। पुलिया के नीचे शव फेंका गया था। पुलिस ने दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया, एक हत्यारोपी फरार है, पुलिस कर रही है तलाश। बता दें कि 4 दिन पहले बुजुर्ग का शव गाँव के बाहर सूखी नहर की पुलिया के पास मिला था। मृतक के पुत्र ने दो के खिलाफ हत्या का मुकदमा थाना मऊ दरवाजा में दर्ज कराया था। मृतक ने की गाली गलौज, किया विरोध तो दी जाति सूचक गालियां। आरोपियों ने जाति सूचक गाली गलौज करने पर हत्या की बनाई योजना। जी हां, मृतक को घर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठा कर अपने साथियों के साथ घटना स्थल पर लाया गया था। वहीं तीनों ने मृतक की शराब के नशे में ईंट और डंडे से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर डाली। अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में इसका खुलासा किया है। वहीं बता दें कि पुलिस ने दो हत्यारोपियों को इसमें धर दबोचा है। वहीं एक हत्यारोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। खास रिपोर्ट संवाददाता रघुवंश दुबे के साथ। एक व्यक्ति की लाश मिली थी। इस संबंध में उनके परिजन के द्वारा थाना मऊ दरवाजा में आके तहरीर दी गई, जिसमें तत्काल एफ आई आर पंजीकृत किया गया। FIR में दो व्यक्तियों को नामजद किया गया था। घटनास्थल पे फॉरेंसिक की टीम और उच्च अधिकारीगण का निरीक्षण हुआ। टीमें बनाई गई सर्विलांस SOG की और थाना की। इसमें जो नामजद व्यक्ति था उसकी गिरफ्तारी हुई। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने कहा कि हमारे साथ दो व्यक्ति और थे। तीनों लोगों ने पहले वहीं पे गाँव के पास एक ठिका है, वहाँ शराब पी। शराब पीने के दौरान आपस में कहा सुनी हुई कुछ बातें जाति सूचक शब्द कही गई मृतक के द्वारा। ये बातें उन लोगों को लगी। फिर बाद में उनको मोटरसाइकिल में बैठा के घटनास्थल पर ले गए और वहाँ पर ईंट और डंडे से मार के उसकी हत्या कर दी। इसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, एक अभियुक्त फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अन्य अवसर भी कार्रवाई की।